हाफ कप के करीब पानी लेंगे और इसमें राइस जो है वो हम डाल देंगे और ये 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ईस्ट होता है। तो ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि जो ईस्ट है हमारा सही है, सही एक्टिव होता है, तो उससे हमारी डो भी अच्छी बनेगी और जो बन इसके साथ हम तैयार करने जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तैयार होंगे। और 1/2 टीस्पून मतलब 2.5 टेबलस्पून जो है वो ईस्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब चीनी और 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे नमक। तो इसको मिक्स करते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको एक्टिव होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 अदद दिया है अंडा और इसमें भी हम 1/2 कप के करीब नीम गर्म दूध जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं। अंडा और दूध इसमें शामिल करने से डो जो है वो हमारी बहुत अच्छी जो है वो स्मूथ सॉफ्ट जो है वो तैयार होगी। तो इस तरह से आप अपनी डो तैयार करेंगे तो आपके बंस जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार और अच्छे जो हैं वो राइज होंगे। 3 कप यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जो ईस्ट हमने पानी में घोल के रखा था, तो देखें ये कैसी अच्छी जो है वो एक्टिव हो गई है। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और अंडा और दूध और इसको भी हम मिक्स करते हैं और इसकी एक अच्छी सॉफ्ट डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। और इसमें 4 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल शामिल कर लेते हैं और अभी 1 टेबलस्पून इधर मैं बचा लूँगी। तो यहाँ पे डो को जितनी अच्छी तरीके से हम नीट करेंगे उतनी ही अच्छी डो हमारी जो है वो तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं किस तरह से अपनी मुट्ठी से इसको प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे भी इस तरीके से हम डो को जो है वो अच्छे से नीट कर लेते हैं। यहाँ पे बाउल में मैंने ऑयल लगा दिया है और डो को हम इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर भी जो थोड़ा सा ऑयल हमने बचाया है वो इसके ऊपर इस तरह से फैला के डो के ऊपर अच्छे से हम रख देंगे ताकि ऊपर से जब डो हमारी राइज हो तो ये ड्राई ना हो जाए। अभी इसको हम राइज होने के लिए रख देते हैं 45 मिनट के लिए। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे 45 मिनट के बाद जब डो हमारी राइज हो जाएगी। अभी यहाँ पे एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। इसको हल्का सा हम रोस्ट होने देते हैं। और साथ में इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने रफली चॉप किया है और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही जो है वो लहसुन भी इसके साथ ही जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। देखें यहाँ पे प्याज हमारा जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। तो जिस तरह के हम यहाँ पे बंस की फिलिंग तैयार कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 1.5 प्याली के करीब चिकन लिया है, उसको बॉईल करके मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है। और अगर आप इसको दूसरी तरह बनाना चाहें तो पहले चिकन को मैरिनेट कर लें और उसके बाद उसको हल्का सा फ्राई करके तो श्रेड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में हमें चिकन को श्रेड करना है। तो इसीलिए मैंने बॉईल करके तो इसको इस तरह से कर लिया है। और अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से इसको पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर कुछ मसाला जात जो है वो ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को और प्याज को देखें अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब सिरका और 1/4 टीस्पून मैं इसमें अदरक पाउडर जो है वो डाल रही हूँ। अगर अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश अदरक भी जो है वो डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे लेमन या चाट मसाला जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस और यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देते हैं ओरिगेनो खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। तो लें जी, यहाँ पे फिलिंग हमारी तैयार है। बस मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं और फिर चूल्हा हम बंद कर देते हैं।
ले जी। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ मिर्च छिड़क देते हैं और थोड़ा सा धनिया, और बाकी आप जो भी मसाला चाहते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो चलिए जी, अभी हम मज़ेदार बंस जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, हमारी डो कितनी अच्छी जो है वो राइज हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा बबल्स हैं वो निकाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे डो के ऊपर हम थोड़ा सा कुछ मैदा जो है वो स्प्रिंकल कर लेते हैं, और इस तरह से हम इसको रोल कर लेते हैं, और इसमें से फिर हम पीसेस निकाल लेते हैं, जितने जितने हमने बंस जो हैं वो इसमें से निकालने हैं। तो यहाँ पे जिस तरह के हमने 3 कप जो है वो मैदा लिया था, तो इसमें से हमारे जो है वो 6 बंस जो हैं वो आसानी के साथ जो है वो निकल जाएंगे। तो जी, अभी हम यहाँ पे इसको हल्का सा जो है वो फ्लैट कर लेते हैं, बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन डो हमारी बहुत अच्छी जो है वो राइज हुई है, बहुत सॉफ्ट है, तो हम इसको हाथ की मदद से ही इस तरह से फैला लेते हैं जी। तो अभी इसमें हम जो बंस की फिलिंग है वो इसमें इस तरह से हम रख देंगे, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा इस तरह से धनिया जो है वो डाल देते हैं। और अगर बच्चों के लिए है तो फिर आप इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल ना करें, वरना थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी इसके ऊपर हम इस तरह से रख सकते हैं। ले जी, तो इस तरह से हम इसको बंद करके तो हल्का सा इसको हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि ये खुले नहीं। एक बन जो है वो तैयार हो गया है, बाकी भी इसी तरह से ही तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कैसे खूबसूरत बंस जो हैं वो तैयार हैं बेक होने के लिए। तो अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक अदद डंडा लिया है, इसकी हम जो जर्दी है वो इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देते हैं, और इनको हम 30 से 35 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पर। 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। अंडा हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ सेसमी सीड्स हैं, इनको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि बंस जो हैं वो सेसमी सीड के बगैर तो अच्छे नहीं लगते और मज़े के भी नहीं लगते हैं। तो अपनी मर्जी से अगर आपके पास ब्लैक सेसमी सीड्स भी हैं तो वो भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। मेरे पास अभी सिर्फ वाइट हैं तो मैं वाइट ही जो है वो इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसको बेक कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद फाइनल लुक इसकी देखते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मज़ेदार बंस जो हैं वो हमारे रेडी हैं। तो अभी हम इसको बाज़ार वाली लुक देने के लिए, कि ये थोड़े शाइनी खूबसूरत नज़र आए, तो हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर बटर लगा देते हैं। इससे ये है कि बन थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देते हैं।